बुधवार को पहलवानों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मुलाकात हुई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पहलवान की शर्त पर राजी हो गए या यूं कह लें कि शांत हो गए। चलिए हम जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर पहलवान पहुंचे थे। बातचीत का यह सिलसिला अनुराग ठाकुर से शुरू हुआ। खेल मंत्री की तरफ से साफ साफ पूछा गया कि आखिर किस बात पर सभी पहलवान प्रदर्शन नहीं करेंगे। पिछले चार दिनों में दो बैठकें हुई, पहली बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई तो दूसरी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ। इन बैठकों के बाद क्या क्या सामने आया, इसकी भी जानकारी सामने आई है। शनिवार को शाह के साथ हुई बैठक में सरकार की तरफ से पहलवानों को भरोसा दिया गया था कि पहलवान मामले में कानून को अपना काम करने दे। साथ ही पहलवानों को बताया गया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार नहीं बल्कि जांचकर्ताओं द्वारा फैसला लिया जाएगा और इसके बजाय अभी प्राथमिकता जाँच को पूरा करने की है। शाह के इस बात के बाद भी पहलवान अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए इस शर्त पर अड़े रहे कि बृजभूषण सिंह को पहले गिरफ्तार किया जाए, और जब अमित शाह को लगा कि बात नहीं बनी है तो शाह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को फोन लगाया और कहा कि पहलवानों से अपडेट लिया जाए और अभी तक बात नहीं बनी तो पहलवानों को फिर से बुलाया जाए और उन्हें नए भरोसे दिए जाए। हुआ भी ऐसा, खेल मंत्री की तरफ से पहलवानों को बुलावा भेज दिया गया। बुधवार को सरकार ने नए विकल्प पेश किए जिस पर कहा गया कि पहलवान राजी हो गए और गिरफ्तारी की मांग को छोड़ दिया। दरअसल सरकार ने उनसे वादा किया कि 15 जून तक इस मामले में चार्जशीट दायर की जाएगी और फिर अदालत इस पर विचार करेगी। मतलब गिरफ्तारी तो नहीं लेकिन चार्जशीट दायर होने का भरोसा दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पहलवानों से कहा गया है कि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होने दें, फिर अदालत इस पर विचार करेगी और आगे के कदम तय करेगी। इसके बाद अदालत के सामने अपनी सभी बातें रख सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव कराने और इस चुनाव प्रक्रिया में बृजभूषण सिंह के परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों को शामिल होने की अनुमति नहीं देने की मांग को भी मान लिया है, जिसके बाद कहीं जाकर पहलवान शांत हुए हैं और अब 15 जून का इंतजार है, तब तक पहलवान शांत रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।